नमस्कार, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट नविता शर्मा आपके सामने एक पेशेंट का फीडबैक दे रही हूँ, जिसमें उनको बैक पेन बहुत ज़्यादा था और जो पैर तक दर्द जा रहा था। साइटिका और डिस्क दोनों की प्रॉब्लम थी। सुनिए उनकी जुबानी, उनका ही एक्सपीरियंस न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट का। आपका नाम बताइए। अमित सानी। आप कहाँ से आए हैं? लक्ष्मी नगर से। न्यूरो आपको क्या प्रॉब्लम थी जो आप ट्रीटमेंट देने पहले आए थे? बॉडी एक तो स्टिफ थी मेरी, प्लस मेरे को घुटने से हिप्स तक पेन होता था। अच्छा, कंटिन्यू पेन था। ओके, तो आपने उसका ट्रीटमेंट पहले कराया था? पहले मैंने फिजियोथेरेपी में कराया, पर फिजियोथेरेपी से प्रॉपर ठीक नहीं होता था, फिर दोबारा रिपीट आ रहा था। ओके, तो अभी आपने आफ्टर ट्रीटमेंट आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे को थोड़ी सी स्टिफनेस लग रहा है कि बॉडी खुल गई है। हाँ जी। और जो पेन है उसमें काफी हद तक राहत। अच्छा, मतलब जो पैर तक पेन आ रही थी वो नहीं है, पर्टिकुलर सिर्फ कमर पे अभी रही है। ओके, तो ओवरऑल कितने परसेंटेज में अगर हम बात करें तो कितने परसेंटेज में आपको रिजल्ट मिल रहा है? ये लगभग 80% ओके रिपोर्ट। और कितने दिन में? मेरे को लगभग आज 9 दिन हो गए। 9 दिन में आपको 80% रिजल्ट मिला, दैट्स गुड। तो न्यूरोथेरेपी के बारे में आप क्या कहेंगे? न्यूरोथेरेपी यहाँ पे आके एक तो कुछ चीज़ें मेरे को ये क्लियर हुई, जैसे कुछ मेरे को एसिडिटी की वजह से भी पेन था, मैं सोच रहा था कि डिस्क ही प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो उन चीज़ों का पता लगा कि बॉडी में स्टिफनेस है, तो उसका रीज़न क्या है वो आपने बताया। हाँ, जैसे मैं पानी इंटेक नहीं करता था इतना, उस चीज़ को यूज कर रहा हूँ तो मेरे को फर्क खुद फील हो रहा है। अच्छा, आफ्टर ट्रीटमेंट आपको प्यास लगने लग गई ना, जैसे पहले? प्यास भी लगने लगी है, बॉडी में हल्कापन फील करता हूँ मैं, ज्यादा पैरों में भारीपन सा लगता था, बॉडी स्टिफ लगती थी। अब लगता है कि हाँ, बॉडी फ्लेक्सिबल हो सकती है अगर प्रिकॉशंस लिए जाए, जैसे आपने बताया खाने पीने में परहेज बताया, उस चीज में मैंने वर्क कराया, बेटर फील कर रहा हूँ पहले से। धन्यवाद।